डिविजनल कमिश्नर औरंगाबाद विभाग के आयुक्त को आज हमने आम आदमी पार्टी की ओर से औरंगाबाद मराठवाड़ा की ओर से हमने एक निवेदन दिया गया है और निवेदन में ये हमारी डिमांड है कि भारतीय जनता पार्टी के गुजरात स्टेट के अंदर कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के वर्कर जो रोड पर आके काम करते हैं गरीबों के अंदर सभी जात और धर्म के लोगों में, तो हमारे आम आदमी पार्टी के वर्करों को रोड पर काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। गुजरात स्टेट में 3 जगह हमला हुआ है हमारे आम आदमी पार्टी के ऊपर, तो आज आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला हुआ है गुजरात स्टेट के अंदर, तो हम उसका निषेध करने के लिए औरंगाबाद विभाग के आयुक्त साहब को एक हमने हमारा शिष्टमंडल औरंगाबाद का सब लोग मिलकर हम लोगों ने एक निवेदन दिया है कि गुजरात स्टेट में जो हमला हुआ है और आगे कहीं पर भी ऐसा आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं सभी जात और धर्म के लोगों में अरविंद केजरीवाल साहब का नाम लेकर अगर आगे काम करते हैं पूरे देश में, दिल्ली से पूरे देश में काम चालू हो गया, पूरे स्टेटों में काम चालू हो गया है, तो अब कुछ लोगों को देखा नहीं जा रहा है, तो उसके अंदर जो रोड पर आकर वर्कर काम करते हैं गरीबों के हक में उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, तो ये हमला नहीं होना चाहिए। विभागीय आयुक्त साहब के मार्फत, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के मार्फत, हमारा दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारा ये भावना जो हमारी दुखी है हमारी भावना ऊपर तक पहुँचाना चाहिए, प्रधानमंत्री कार्यालय तक, गृहमंत्री कार्यालय तक हमारी भावना पहुंचना चाहिए और इसके आगे आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। हमलावर कौन है बता सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, गुजरात स्टेट में हमला हुआ। ऐसा ही होता रहा तो आम आदमी पार्टी औरंगाबाद में क्या एक्शन लेगी? औरंगाबाद में, मराठवाड़ा के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर ऐसा कभी हमला होता है तो आम आदमी पार्टी के अंदर सभी जात और धर्म के लोग काम कर रहे हैं, इसके अंदर रिटायर अधिकारी भी है और कई ऐसे जात धर्म के लोग हैं जिनका पूरा अभ्यास डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के दिमाग से चलता है, अरविंद केजरीवाल साहब के जैसा दिमाग और कलम से माइंड चलता है। अगर जो भी अगर आम आदमी पार्टी का काम करने वालों को अगर तकलीफ देंगे और ब्लैकमेल करेंगे या अगर दबाने की गुंडागर्दी करने की कोशिश करेंगे तो आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता हर गली और हर मोहल्ले से, हर कॉलोनी, हर झोपड़पट्टी से रोड पर बाहर आएगा, हर गरीब के हक में उतरेगा अपनी टोपी पहन के और झाड़ू हाथ में लेकर, चाहे फिर वो कोई भी आदमी गुंडागर्दी करने वाला रहो या कोई भी रहो, उसको धड़ा सिखाएंगे और सबक सिखाए बगैर आम आदमी रहेंगे नहीं। इसके आगे हम बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास, हम आप सभी मीडिया को, हमारा महाराष्ट्र का कोर कमेटी बैठने के बाद हम सभी मीडिया के सामने फैश करेंगे गरीबों के हक में हमको क्या क्या आंदोलन करना है। आप सभी ने हमारे को मौका दिया इसीलिए मैं आपका धन्यवाद मानता हूँ। जय हिंद। आपका पूरा नाम बोलो। जय आम आदमी पार्टी। आपका पूरा नाम बोलो। मेरा असली नाम, मेरा शेख अकबर शेख बशीर उर्फ शब्बू लखपति। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।